Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, शहजादी ये एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है किसी राजा की पुत्री यानी कि राजकुमारी। इंडियन टीवी में ऐसी कई मुस्लिम बेस्ड शोज आए हैं जहां हमने शहजादी के किरदारों की अलग अलग झलक देखने को मिली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अभिनेत्रियों की जिन्होंने छोटे पर्दे पर शहजादी के प्यारे से किरदार को बखूबी उतारा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीरियल नूरजहां से, जो कि सन 2000 में दूरदर्शन में प्रसारित हुआ करता था, जहां एक्ट्रेस गौरी प्रधान ने शहजादी मेहरुन्निसा के किरदार को निभाया था, जिन्हें हम नूरजहां के नाम से भी जानते। ये शो मुगल की रानी नूरजहां की जीवन पर आधारित था, जो कि शादी से पहले शहजादी मेहरुन्निसा के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं GTV के शो अलादीन जानबाज एक चलवे अनेक के, जहां हमने महाभारत फेम एक्ट्रेस नाजिया हसन सैयद को शहजादी जास्मीन की भूमिका में देखा था। ये शो 2007 में प्रसारित हुआ था, जो कि ऑडियंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा था, और इसी शो से एक्ट्रेस नाजिया सैयद ने अपने करियर की शुरुआत करी थी और उन्हें इस किरदार में दर्शकों का बेहद प्यार मिला। तो दोस्तों, अब बात करते हैं GTV के ही एक अन्य शो थीफ ऑफ बगदाद की, जो कि सन 2000 में प्रसारित हुआ था, जहां एक्ट्रेस किम लेसरेडो ने शहजादी यास्मीन की भूमिका निभाई थी। ये शो अरेबियन नाइट्स पे लूजली बेस्ड था। ये शो उस वक्त काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, पर इस शो के प्रोडक्शन हाउस और चैनल के बीच एक बड़ा विवाद हुआ, जिसके वजह से शो के पूरे एपिसोड्स नहीं बनाए गए और शो बीच में ही रोक दिया गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं NTV के शो रजिया सुल्तान पर, जहां एक्ट्रेस पंखुड़ी अवस्थी ने शहजादी रजिया सुल्तान के किरदार को अभिनीत किया था। इस शो में एक्ट्रेस पंखुड़ी अवस्थी एक जांबाज और बहादुर शहजादी रजिया सुल्तान के जीवन को छोटे पर्दे पर उतारने में बेहद ही सफल रही थी, पर नए चैनल पर प्रसारित होने की वजह से इस शो की TRP रेटिंग्स काफ़ी लो थी, जिस वजह से ये शो जल्दी बंद हो गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं स्टार प्लस की सुपरहिट फैंटेसी बेस्ड शो ये जादू है जिंदगा में, जहां टेलीविजन की बेहद ही पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति शहजादी लैला और शहजादी चांदनी के डबल रोल में दिखाई दे रही है, जहां शो में उनका एक किरदार पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। इस शो में सुरभि ज्योति चाँद की मल्लिका यानी कि चाँद की शहजादी का रोल प्ले कर रही। व्यूअर्स उनके इस डबल रोल को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और उनका काम दर्शकों को बेहद पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं Sub TV के बेहद ही पॉपुलर और हिट शो अलादीन की, जहां पर हमने चार चार अभिनेत्रियों को शहजादी के किरदार पर देखा, जहां शो में एक्ट्रेस चार पांडे ने यमन की शहजादी मेहर के किरदार को प्ले किया था, तो वही एक्ट्रेस पल जॉन ने शो में जिद्दी शहजादी सुल्ताना अदाया के किरदार को निभाकर दर्शकों को लुभाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शो में लीडिंग कैरेक्टर शहजादी यास्मीन के किरदार को निभाने वाली अवनीत कौर की, जिन्हें अब तक शहजादी के किरदार में दर्शकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। शो में उनकी एक्टिंग हो या एक्सप्रेशन हो या फिर उनका एटीट्यूड, वो बखूबी शहजादी के किरदार से न्याय करने में सफल रही। उनकी और सिद्धार्थ की अलास्मिन की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शो में उन्हें रिप्लेस किया, ये उन दिनों की बात है, फेम एक्ट्रेस आसी सिंह ने, जो कि शहजादी यास्मीन के किरदार में बेहद ही मासूम और खूबसूरत नज़र आ रही है और उनके फैंस उन्हें इस किरदार में बेहद ही पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो अभिनेत्रियाँ जिन्होंने छोटे पर्दे पर शहजादी के किरदार को बखूबी उतारा। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एक्ट्रेस शहजादी के किरदार में सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।